गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं क्या टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है वर्बल नाउन। देखिए, सबसे पहले हमें इस नाम पर चर्चा करनी होगी समझने के लिए कि वर्बल नाउन है क्या चीज। नाम से ही साफ है कि जिस नाउन शब्द को हमने वर्ब से बनाया है, इसलिए उसका नाम पड़ा है वर्बल नाउन। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे घर में भी देखने को मिलते हैं, जैसे मम्मी बनाती हैं आलू पराठा, काहे से बनाती हैं आलू से, इसलिए उसका नाम पड़ गया आलू पराठा। दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही ये जो नाउन है, यह किससे बना हुआ है? वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन वर्ब से बना कैसे है, इसको भी देखें हम। देखिए आपकी स्क्रीन पर वर्बल नाउन, उसके दो और नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा जीरण। आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ये तीनों एक ही शब्द के तीन अलग अलग नाम है, एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम है। तो दोस्तों, कैसे बनाते हैं वर्बल नाउन, उसको हम देखें, कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्या लिखा। सबसे पहले वर्ब, वर्ब से नाउन बनाना है दोस्तों, तो हम क्या लगाएंगे वर्ब में? आई एन जी। पहले भी आपने आई एन जी लगाया है, तब की बार हमने उसे कंटिन्यूअस टेंस के रूप में देखा है। दोस्तों, आईएनजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आईएनजी का प्रयोग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, उसके और भी क्षेत्र हैं। उसमें से एक क्षेत्र मैं अभी आपके लिए चुन करके लाया हूं, नाम है वर्बल नाउन। और चूंकि ये वर्ब से बनता है, और वर्ब में क्या लगा करके बनाते हैं? आईएनजी। ओके, तो वर्ब में आईएनजी लगने से ये वर्बल नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, टीच में आईएनजी लगा दिया तो टीचिंग। तो दोस्तों, ये वर्बल नाउन है कि नहीं टीचिंग या आईएनजी फॉर्म वाला कोई शब्द? किन परिस्थितियों में वह वर्बल नाउन के रूप में आता है, इन सब की चर्चा भी हम आज के वीडियो पे करते हैं, ठीक है। बट उसके पहले नाउन को डिफाइन करें, परिभाषित करें। आपने तो पढ़ा है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमको बताया गया है कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यही याद कराया गया है। कुल मिलाकर के नाउन है क्या चीज? नाम है, नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग। तो कुल मिलाकर के नाउन है क्या? नाम, नाम नाउन है और नाउन नाम है। तो इसको बहुत छोटे से सेंटेंस में परिभाषित कर सकते हैं, मात्र चार शब्दों में। कैसे? देखिएगा, हम कैसे परिभाषित करेंगे और हमारी परिभाषा क्या हो रही है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। कोई भी चीज हमारे पास है, हम देख सकते हैं, उनका कोई ना कोई नाम तो होगा ही, और नाम है मतलब वो नाउन है, नाम है मतलब वो नाउन है। जैसे मैंने ही आपको दिखाया, पूछा व्हाट, तो आपने कहा एक स्क्रीन है, मॉनिटर है, ठीक है। फिर मैंने आपको दिखाया कि व्हाट, तो आप बोलेंगे ये एक पेन ड्राइव है। व्हाट का आंसर दे रहे हैं आप, व्हाट पेन ड्राइव। बिल्कुल वैसा ही मैंने कहा कि व्हाट, तो आपने बोला स्टिक। तो जितनी बार मैं आपसे व्हाट कह रहा हूं, तो व्हाट के आंसर के रूप में आप मुझे किसी न किसी नाउन को ही बता रहे हैं। दोस्तों, मतलब क्या होता है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, और ये नेमिंग वर्ड्स और ये नाउन हमेशा किसका आंसर होता है दोस्तों? व्हाट का। किसका आंसर होता है? व्हाट का। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से प्लीज, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। किसी भी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, किसी भी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी चीज का कोई ना कोई नाम होता ही है, और उस नाम को आप कब बताएंगे? जब मैं आप पूछूंगा आपसे कि क्या क्या है ये, तब अपना सेलफोन दिखा के बोलेंगे ये मेरा सेलफोन है। मैं बोलूंगा आपके हाथ में क्या है, तो आपके पास जो पेन होगी उसको दिखा के बोलेंगे यह एक पेन है। तो क्या का आंसर ही नाउन होता है दोस्तों। तो फिर से सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, और नाउन प्रायः किसका उत्तर होता है? व्हाट का। नाउन प्रायः किसका उत्तर होता है? व्हाट का ही उत्तर होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, व्हाट,
तो व्हाट के लिए मैंने इससे पूछा, तो व्हाट ये क्या है, तो नाम क्या आ रहा है वहां पर, वॉच। फिर एक पिक्चर देखते हैं दोस्तों, इससे भी प्रश्न करें व्हाट, तो आपने नाम दिया लॉक। फिर एक पिक्चर देखिए दोस्तों, व्हाट, तो आपने नाम दिया कंप्यूटर। तो जो भी नाम है वो नाउन है, जो भी नाम है वो नाउन है। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, इसलिए उसको हम परिभाषित किए हैं, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। बहुत आसान है दोस्तों, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और ये नेमिंग वर्ड्स और ये नाउन किसका आंसर होते हैं, हर बार व्हाट का, ठीक है। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन, वर्ब से बना हुआ नाउन, आईएनजी लगा करके हम बना रहे हैं, वर्ब से बना हुआ नाउन जिसमें आईएनजी लगा के नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो कोई भी नाउन हो, वो व्हाट का आंसर होना चाहिए, और यदि व्हाट का आंसर नहीं है तो नाउन नहीं है, ठीक है। व्हाट का आंसर होना चाहिए। तो अभी हम जो वर्बल नाउन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आप बड़ी आसानी से उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, यदि वह व्हाट का आंसर दे रहा है तो सही है, नहीं दे रहा है तो वो वर्बल नाउन नहीं है। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम पिक्चर्स के माध्यम से लाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्बल नाउन भी, जो हमने कुछ देर पहले बात की थी कि कोई भी नाउन व्हाट का आंसर होता है दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही वर्बल नाउन भी व्हाट का उत्तर होते हैं। तो चलिए पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, पहला पिक्चर क्या आ रहा है यहां पर, बहुत साफ है। अब ये क्या बोल रहे हैं समझिएगा, ये क्या बोल रहे हैं, आई लाइक। अब आई लाइक ये मेन पार्ट है, आई लाइक से आप प्रश्न करिएगा व्हाट, आई लाइक व्हाट। जैसे मैंने एक सेंटेंस इसी को दोहरा दिया आपके सामने, चुप हो गया, आई लाइक इतना बोल करके चुप हो गया, तो आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आएगा, सर ने बोला आई लाइक लेकिन बताया नहीं क्या पसंद करते हैं। तो वो आई लाइक ये सेंटेंस कंप्लीट होगा जब मैं क्या का आंसर जोड़ूंगा उसमें। तो आई लाइक व्हाट, आई एन जी वाला शब्द जोड़ता हूं, आई लाइक सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या हो गया यहां पर, वर्बल नाउन। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही यहां पर देखिएगा, आई लाइक से प्रश्न करिएगा, ये मेन पार्ट है, आई लाइक व्हाट। तो जैसे हमने व्हाट प्रश्न किया, आई लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर देने वाला शब्द ही नाउन होता है, चाहे वो एक सिंपल नाउन हो या फिर वर्बल नाउन हो जो आईएनजी लगा हुआ शब्द हो। फिर देखिएगा, आई लाइक व्हाट, तो ये क्या कह रहे हैं, टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। तो दोस्तों यहां पर एक खास बात पे और चर्चा करते हैं कुछ मिनट्स के लिए, ये जो टीचिंग शब्द है ये है कहां पर। आपने तो शुरू शुरू में सेंटेंसेस बनाने के लिए जो क्रम होता है उसकी तैयारी तो की है, आपने प्रैक्टिस की है, पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर आईएनजी का स्थान कहां है, ये है आई सब्जेक्ट, ये है लाइक वर्ब और ये है टीचिंग ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो टीचिंग शब्द है, आईएनजी शब्द है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। दोस्तों इसमें खास बात होती है, आप चाहे तो टीचिंग जो आईएनजी लगा हुआ जो शब्द है, टीचिंग के अलावा और भी कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है, उसको आप पहले नंबर पर भी ला सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। अगले पिक्चर पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सके कि हम आईएनजी वाले शब्द से सेंटेंस की शुरुआत करें। तो देखिएगा फिर से, आई लाइक व्हाट, आंसर है टीचिंग। तो टीचिंग क्या है यहां पर, व्हाट का आंसर है दोस्तों, इसलिए वर्बल नाउन। ओके, फिर अगला पिक्चर देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये खाना पका रहे हैं लेकिन मन तो है नहीं, मम्मी की जिद पर, दबाव पर वो खाना पका रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनके लिए, शी डजंट लाइक कुकिंग। शी सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कुकिंग ऑब्जेक्ट है, वर्बल नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर गया है। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इस आईएनजी फॉर्म से हम सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो शी डजंट लाइक, इससे प्रश्न करिएगा, शी डजंट लाइक व्हाट, She doesn't like what? तो what का आंसर क्या आ रहा है देखिएगा, Cooking। तो बार बार इस खास की पॉइंट को याद रखिएगा, नाउन को पहचानने का सबसे सरल तरीका है दोस्तों, ये what का आंसर होता है, चाहे ये सिंपल नाउन हो या फिर जो हम आज पढ़ रहे हैं वर्बल नाउन, इसके और भी नाम है
प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां पर कुकिंग व्हाट का आंसर इसलिए क्या बन करके आया है, वर्बल नाउन। प्लीज ध्यान से एक सेंटेंस फिर आपके सामने लाया हूं मैं स्क्रीन पर, टेलिंग अ लाई इज अ सिन। मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि आईएनजी फॉर्म को, आईएनजी वाले शब्द को हम सब्जेक्ट की जगह पर भी ला सकते हैं, तो टेलिंग अ लाई इज अ सिन। तो देखिएगा यहां पर What is a sin? तो आपका आंसर क्या हो गया, Telling a lie is a sin. Telling a lie is a sin. दोस्तों what का आंसर है Telling a lie. Telling a lie is a sin. फिर देखिएगा आगे और भी हम एक पिक्चर देखते हैं दोस्तों, बड़े आसानी से सारी बातें हम समझ पा रहे हैं। देखिए हमारा पिक्चर यहां पर स्मोकिंग को हम मनाही के रूप में लिखे हुए हैं और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि स्मोकिंग, यहां भी आईएनजी फॉर्म को हमने पहले लाया है, आईएनजी फॉर्म से शुरू कर रहे हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो प्रश्न क्या होगा, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आंसर है स्मोकिंग। देखिएगा ये स्मोकिंग वर्बल नाउन है, नाउन कोई भी हो वो व्हाट का आंसर होता है दोस्तों। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हमने फिर यहां पर क्या किया है, आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत की है। अब अगला पिक्चर देखिएगा, अगले पिक्चर पे आपको क्या मिल रहा है, स्विमिंग। यहां भी सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। कोशिश करिए फिर से, प्रश्न क्या है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आंसर क्या हो रहा है यहां पर, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आंसर इज स्विमिंग। तो स्विमिंग फिर से किसका आंसर हुआ, व्हाट का, इसलिए ये क्या हो गया है, वर्बल नाउन। तो दोस्तों वर्बल नाउन या नाउन कोई भी हो, ये व्हाट का आंसर होता है दोस्तों। और मैंने कहा कि आप आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं और उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर भी ला सकते हैं। एक पिक्चर और देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं कि और अच्छे समझ में आ जाए। तो हमारे पास एक पिक्चर है, ये बंदा दौड़ते हुए जा रहा है, कहीं क्यों जा रहा है, क्या कारण है, तो देखिएगा एज ही सॉ मी, जैसे उसने मुझे देखा, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड व्हाट, तो देखिएगा आंसर क्या रहा है, ही स्टार्टेड रनिंग। तो यहां मैंने आईएनजी को बिल्कुल आखिरी में लिया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, ही स्टार्टेड रनिंग। तो दोस्तों ये वर्बल नाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी जा सकता है, और ये वर्बल नाउन या नाउन किसका आंसर होते हैं, हर बार व्हाट का आंसर होते हैं, पहचानना बहुत आसान है दोस्तों। मैंने कहा आई स्टार्टेड व्हाट टीचिंग, आई स्टार्टेड, मैंने प्रश्न जो आपके मन में आया है क्या का, मैंने क्या कहा आई स्टार्टेड, तो आपके मन में क्या प्रश्न आया, क्या शुरू किया सर आपने, आई स्टार्टेड टीचिंग, तो टीचिंग किसका आंसर है, व्हाट का, जो आपके मन में प्रश्न आया है, तो आई स्टार्टेड टीचिंग। अभी टीचिंग कहां पर है, आई सब्जेक्ट है, स्टार्टेड वर्ब है, और टीचिंग ऑब्जेक्ट है। अब मैं टीचिंग शब्द को सामने भी ला करके आपसे बात करूं, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग पहला शब्द हो गया, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, व्हाट इज माय प्रोफेशन, आंसर दीजिएगा टीचिंग। तो व्हाट का आंसर क्या हुआ यहां पर, टीचिंग। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में काम करता है। कई बार आप कभी इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप बोलते हैं आई लाइक डांसिंग, क्या पसंद करते हैं आप, डांसिंग। कोई बोलती है आई लाइक कुकिंग, वो क्या पसंद करती है, कुकिंग। तो क्या का आंसर देने वाला शब्द जो वर्ब में आईएनजी लग करके बना है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वर्बल नाउन। दोस्तों वर्बल नाउन की बात समझ में आई, प्लीज यदि आप कोई चीज समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो लोगों को बताइए दोस्तों। आपको अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी, इसी वर्बल नाउन के बेस पर हम आईएनजी फॉर्म का अगला चैप्टर, वह किस रूप में आता है उसकी चर्चा होगी। आज इतना ही दोस्तों, बाय, खुदा हाफिज, जय राम जी की, जय हिंद।